और भगवा रंग सन्यासी और सनातनियों का रंग है। हमारे देश में लोकतंत्र में जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से बड़ी विडंबना रही कि जिनकी सत्ता रही उन लोगों ने कहने की स्वतंत्रता तो सबको कहने के लिए दी लेकिन हिंदुओं को कभी बोलने नहीं दिया। ये हमारे देश की विडंबना रही और इसलिए कभी भी मुस्लिम, कभी भी अन्य लोग, कभी विधर्मी भगवा को कोई आतंकवादी कहता है, कांग्रेस कभी भगवा को आतंकवादी कहते हैं, कभी भगवा को चोर और उचक्के बता देते हैं, कभी भगवा को अभी उन्होंने बेशरम कह दिया, क्योंकि सबको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन हिंदुओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। जब से माननीय मोदी जी का शासन आया हिंदू अपने को जागृत अवस्था में, कम से कम जीवित अवस्था में थोड़ा सा मानने लगे हैं, पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।